बहुत ही अच्छी बॉल थी क्योंकि पहला ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कराया जिसमें एक विकेट जैसा कि मेरे को कल चंदवा गांव के कुछ युवाओं का फ़ोन आया था, जैसे दिलजीत जी उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवाई जा रही है और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के, काफ़ी टीमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं जो भी युवा या नौजवान इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़ कर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोरोना काल में के केसेस में थोड़ी कमी आई है और गवर्नमेंट ने जो हमारे वीकेंड्स हैं उनको भी थोड़ी छूट दी है, तो लोगों में जो खेलने का उत्साह दोबारा देखने को मिल रहा है। और इसी से हम जैसे युवाओं में मैनेजमेंट, टीम प्लानिंग कह सकते हैं, जब टीम कोऑर्डिनेशन के साथ खेलते हैं एक मैनेजमेंट कैसे टीम को विन करवाना है, ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और साथ में इन इन जैसे खेलों के कारण ही लोग नशों से भी दूर रहते हैं, तो यही बहुत ही अच्छा लगा कि टूर्नामेंट करवाई युवाओं ने आगे आकर, और ऐसी टूर्नामेंट भविष्य में होती रहनी चाहिए। जहाँ पे हमारी ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हम बढ़ चढ़ कर आगे आके मदद करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, आज इस हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा के ग्राउंड में एक ओपन टूर्नामेंट, टेनिस बॉल क्रिकेट की टूर्नामेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे जितनी भी पंचायत हमारी चंदवा, उसको मिलकर हमारे लड़के कर रहे हैं। तो ये एक मेमोरी है किसी की, दलजीत सिंह हमारे लड़का था हमारा जो 2-4 साल पहले एक्सपायर हो गया था, तो उसकी याद में हम एक टूर्नामेंट जो उसका आयोजन कर रहे हैं। उसका जो शुभारंभ है हमारे मेंबर DDC मेंबर अभिनंदन शर्मा जी और उनके हमारा हमारे जो चौकी प्रभारी हैं जनाब साथी साहब अरुण साथी जी। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा जो बचपन जो है इसी ग्राउंड में बीता है हमारा, मैं जो कि जितने भी लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो मकसद है जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का मकसद, एक तो है कि उसकी आत्माओं को शांति मिले, दूसरा ये है कि युवा पीढ़ी, आज जो युग चल रहा है हमारी युवा पीढ़ी, कभी इधर कभी उधर, इस बुरे दौर में जो कोरोना का दौर भी था उसको भी हम थोड़ा पीछे करके हम चाहते हैं कि, क्योंकि क्रिकेट जो है वो गवर्नमेंट ने भी लोग ही है कि क्रिकेट जो उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम, तभी जाके हम पहले सोचा था हमने कि कबड्डी या कोई वॉलीबॉल का टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन हम जब हमने देखा कि COVID-19 की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा है कि क्रिकेट जो हम करवा सकते हैं, तो आज हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। तो मैं एक आपके माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि जितने भी लोग, जितने भी हमारे बच्चे जो सिसके हैं अपने घरों में, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके मैच देखें, यहाँ पर देखें कि कम से कम एक मैसेज तो जाए बच्चों को, क्योंकि जो आप भटक रहे हैं, कोई ये वाला रास्ता अपना रहा है, कोई वो वाला रास्ता अपना रहा है, कोई ड्रग के पीछे भाग रहा है, एक स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, अगर आप उसके साथ टच हो जाओगे, उसके साथ लग जाओगे, तो आपकी जो आने वाली जो नस्लें होंगी वो अच्छी होंगी, कम से कम तबाह होने से बचेंगी। तो ये मेरा मैसेज सभी के लिए होगा। टूर्नामेंट का आगाज जो हुआ है, ये हमारा एक लड़का नौजवान था जीत, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी याद में ये अक्सर टूर्नामेंट यहाँ होता है, और हमारा हमेशा एक मिशन रहता है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो हमेशा स्पोर्ट्स की तरफ अपना योगदान जो है ज़्यादा से ज़्यादा दें, इसलिए कि फिजिकली फिटनेस के लिए, मेंटल जो उनका डेवलपमेंट है उसके लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, और ये स्पोर्ट्स की तरफ अगर हमारे बच्चे निकलेंगे, हमारा कंडी का क्षेत्र है जहाँ से बहुत पोटेंशियल है स्पोर्ट्स में, और इधर बाकी इवेंट्स में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से कहीं ना कहीं आगे निकले, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान दें, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहें, नशे से दूर रहें, इसलिए हमारा एक फोकस रहता है हमारी पंचायत के अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ
उनका काफ़ी सारा योगदान रहे और स्पोर्ट्स की तरफ भी उनका ध्यान रहे, इसलिए हमें ये टूर्नामेंट का हम हमेशा कहीं ना कहीं समय समय पे टूर्नामेंट हम करवाते रहते हैं कि बच्चे अपना स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें।